एक्सरसाइज वन डी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज माइनस फोर इफ वन ऑफ देम इज सिक्स देन द अदर इज मैंने टू इंटीजर्स का जो सम दिया है माइनस फोर दिया है और उनमें से वन इंटीजर है सिक्स है तो अदर इंटीजर कितना होगा तो अदर इंटीजर को एक सेलेक्ट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सोल्यूशन लेट दर इंटीजियर भी एक्स एक्स लेट कर लिया तो जो वन ऑफ देम माने वन नंबर जो है सिक्स है उसमें से जो अदर इंटीजर आपने लेट किया उस एक्स है उन दोनों को ऐड करें तो इनका सम कितना आता है माइनस फोर आता है ये इक्वेशन बन गई हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इक्वल टू माइनस फोर और सिक्स को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का सिक्स हो जाएगा तो एक्सल टू दोनों सेम साइन में इसलिए ऐड हो जाएंगे सिक्स फोर टेन और माइनस के नंबर से इसलिए माइनस का टेन तो माइनस टेन हो गया अदर नंबर कितना हो गया माइनस टेन तो माइनस टेन कौन सा ऑप्शन है आप देख लें ए ऑप्शन है ए ऑप्शन में आंसर कितना है माइनस टेन है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज फोर्टीन इफ वन ऑफ देम इज माइनस एट देन अदर इज टू इंटीजर्स का जो सम है वो फोर्टीन गिवेन है और उनमें वन इंटीजर माइनस एट गिवेन है तो अदर इंटीजर क्या होगा तो अदर इंटीजर्स के लिए सॉल्व करके देख लेंगे तो देखिए जो वन ऑफ देम वन इंटीजर कितना है माइनस एट है अदर लेट कर लिया तो लेट अदर इंटीजर भी इंटीजर बी एक्स तो वन नंबर कितना है माइनस एट है इसमें से अदर इंटीजर एक्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टीन सम दिया हुआ है ये इक्वेशन बन गई अब एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो एक्स इक्वल टू फोर्टीन और इस माइनस तो एट को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का एट हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू फोर्टीन और एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इज द आंसर तो 22 ऑप्शन कौन सा है ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस सिक्स इज माइनस सिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है तो इनवर्स में आपने देखा तो माइनस आप दैट नंबर कर देते हैं तो माइनस ऑफ माइनस सिक्स तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सिक्स प्लस सिक्स आ जाएगा या हम ऐसे देख लें कि अगर वो माइनस का इंटीजर है तो वो प्लस का हो जाएगा अगर प्लस का इंटीजर है तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस सिक्स का एट्टी एट इंटीजर क्या हो जाएगा प्लस का सिक्स तो प्लस का सिक्स कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर